बोलो मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी नहीं आ रहे। पता है डोनाल्ड ट्रंप? कौन है डोनाल्ड ट्रंप? अरे वो क्या था, भूल गया हूँ, कुछ और कोई और नाम बता दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कौन है भाई? डोनाल्ड ट्रंप की ही बात कर रहे हो? डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हो? मैकडोनाल्ड वाले? नहीं नहीं, गोंडली वाले या अपने ट्रंप? सुनो, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। हेलो, क्या हाल है? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानते हो? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं भाई। आपको अभी अनपढ़ आदमी मुझे क्या बताया यार, आप अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर पता है कौन है? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। गलत बोल गई थोड़ा सा कुछ। प्राइम मिनिस्टर वही तो है, प्रेसिडेंट है वो। ओके, तो ट्रंप साहब आ रहे हैं दिल्ली और मोदी जी बहुत खुश हैं इस बात को लेके। जहाँ जहाँ ट्रंप चलेंगे जगहें सजाई जा रही हैं और दीवारें बनाई जा रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं इंडिया, पता है ना? किसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ रहा है। कब? आपको किसने बताया? आपने बताया जी, अभी 17 को थी उनकी डेट। नहीं नहीं नहीं, 17 को नहीं, 24 को आ रहे हैं। 24 का नहीं पता, मैं तो 17 की डेट पता थी उनकी। मैं अलग से पता लगी है कहीं से? नहीं, सीलमपुर प्रोटेस्ट। 17 की डेट सीलमपुर में? 17 को आए? नहीं नहीं, हैदराबाद में आ रहे थे वो, लेकिन 17 की डेट बताई थी। डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग टू इंडिया? यस। तो क्यों आ रहे हैं, कुछ आइडिया है तुमको? अपने फ्रेंड के साथ चिल करने। चिल करने, एग्जैक्टली। सी भाई, ये तो मोदी ने बताया। मार पर्सनल बताएगा थोड़ी क्यों आ रहा है। आ रहा होगा किसी काम से, डिसाइड करने के कैसे इंडिया और अमेरिका की इकोनॉमी खराब करे। क्यों आ रहे? यही कि इतना ज्यादा विकास हुआ है कि ट्रंप के आने के बाद वहाँ पे सारा बाउंड्री लगा दिया गया है ताकि वो विकास दिखे नहीं। अहमदाबाद में जहाँ पे ट्रंप ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे वो ब्यूटिफिकेशन किया गया रोड्स का। वहाँ पे 45 घर थे, मतलब 45 फैमिलीज थी, उनको बेघर कर दिया। उनको 7 का एविक्शन नोटिस कर दे के निकाल दिया। गलत है? मैंने पूछा ही नहीं। बट मैं बोल रहा हूँ गलत है। मेरे हिसाब से सही है। मेरे हिसाब से तो गलत है, नहीं करना चाहिए था। ऐसे कैसे घर से निकाल दिया? ऐसे कैसे निकाल दिया? हमें 45 परिवारों को सर बेघर कर दिया। नहीं सर, अभी ये भी तो हम कह नहीं सकते कि वो खबर सही भी है कि झूठी है। अरे फोटोज आ रही है? नहीं, फोटोज तो कई बार नहीं, ये सच्ची है। लेकिन इतना जल्दी हम जब मोदी की भाषा में बोले कि हमने ट्रंप की आंख से आंख मिलानी है, तो झुग्गियां दिखा के आंख से आंख कैसे मिलाओगे फिर? तो मैंने सोचा ही नहीं, सही बात है ये तो। वैसे आंख से आंख मिलानी है, अब तुम अपने देश के स्लम को थोड़ा पीछे हटा लो और बराबर की होके बात करो। बराबर की होके बात करो। कहते फटे तो फटे, पोजीशन न घटे। तो ये जरूरी है, ये जरूरी है। फटे तो फटे, पोजीशन न घटे। हाँ हाँ, है ना, ये जरूरी है। भारत का ये विशेषता है, आप अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम चाहे कर्जा ला के मेहमान की इज्जत करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। सही बात, काफी खर्चा हो गया मेरे हिसाब से तो, मतलब 80-85 करोड़, 15-20 शादियाँ हो जाती है। तो आपको लग रहा है सही कर दिया खर्चा? बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। अभी तक हो नहीं रहे थे क्या खर्च? आज 1947 से लेकर अब तक खर्चा नहीं हो रहा है क्या? खर्चा भी हो रहा है, चर्चा भी हो रहा है और लोगों का पर्चा भी हो रहा है। आपको क्या लगता है, गुजराती है बनिए से बड़ा, 85 करोड़ रुपए खर्च के तो कितने लेके आएगा उसका अंदाजा नहीं लगाया? वो 85 करोड़ खर्च के हो सकता है 850 करोड़ लाए, 8500 करोड़ लाए, 85,000 करोड़ लाए, 85,00,000 करोड़ लाए। बहुत बड़ी बात। हाँ, डिफेंस डील। 85 करोड़ पे कंसंट्रेट मत करो, वो कहाँ सोचता है, वहाँ आम बंदा नहीं सोचता। जो करेंगे मोदी जी, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। नहीं ठीक है, अच्छा कर भी रहे हैं। तो जो खर्चा हो रहा है वो आपको लग रहा है कितने लोगों के 15 लाख वापस आ सकते थे उसमें से? वो तो हम नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ अनभक्त हो जिनका हो सकता है, उनको उम्मीद हो अभी भी कि 15 लाख वापस आ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये 15 लाख आएंगे। आपको नहीं लगता जी? मतलब मेहनत करेंगे तो आ ही जाएंगे ना? कुछ नहीं, कुछ भी कर दें, वो 50 साल अगर प्राइम मिनिस्टर रहे तब भी नहीं आएंगे। 50 साल नहीं रहे। एक और, चलो कोई बात नहीं, ठीक ना। बहुत बढ़िया सी, सब चंगा सी, हाउडी मोदी। सब चंगा सी, सब चंगा नहीं सी, सब चंगा सी,